नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम की कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। अजय जी, क्रूड में क्या लगता है आपको? पहले तो खबरें निकल के सामने आ रही थी कि चाइना में जो कोरोना के जो केसेज हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्रूड थोड़ा हरे निशान की ओर गया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रशिया पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, फिर बाकी की ब्याज महंगाई दर, तो इन सब के मद्देनजर अब क्रूड का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है? देखिए, क्रूड में हमने पिछले दो साल के अंदर जबरदस्त तेजी देखी, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक डिमांड कंटिन्यू इंप्रूव होने जा रही है। क्या अब ऐसा सीन चाइना के साथ भी है? क्योंकि चाइना, अब अगर आप देखो, दो महीने से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में है। अब चाइना ओपन अप होता है तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा जी। पर साथ में हमने जियो पॉलिटिकल टेंशन जो यूरोप और रशिया के बीच में देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। क्योंकि आज भी आप ये देखिए, यूरोप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब अगर रशिया ने अपना आउटपुट मार्केट में कम रखा है तो इसका कैसिडिंग इफेक्ट बनना था, वो दिख ही रहा है, इसलिए $100 के ऊपर चल रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है, जब तक कोई रेडिकल स्टेप्स नहीं लिया जाए, रिजर्व्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सऊदी प्रोडक्शन स्लो एंड स्टडी बढ़ा, मतलब ओपेक प्रोडक्शन स्लो एंड स्टडी बढ़ा रहा है, तो आई थिंक प्राइसेस जब तक 98 का लेवल ब्रेंड नहीं तोड़ता है, प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर रहेंगे, जो ऊपर में 112-115 ब्रेंड दिखा सकता है। टाइमिंग वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई रहेगी, बिकॉज रोज हम नया इवेंट या नई न्यूज देख रहे हैं। ब्रॉडर रेंज अगर एडजस्ट की बात करें तो 7500 से लेकर 8500, 7500 से 8500 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जून के बाद हमें लगता है कि धीरे धीरे सप्लाई इंप्रूव होगी, क्योंकि यूएस के अंदर IEA बताया है कि 13.2 मिलियन बैरल तक का इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जून के बियॉन्ड मुझे लगता है कि रिलीफ मिल जाए, पर जून तक क्रूड ऑयल एलिवेटेड लेवल्स पे ही जाएंगे जी। अजय जी, नेचुरल गैस में देख रहे हैं आज काफी ज्यादा गिरावट बनती नजर आ रही है, 4-4% की गिरावट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट में। आज ये जो गिरावट बनी है इसका क्या कारण है? देखिए, नेचुरल गैस में नेचुरल हो चुका है कि आज सखी की तेजी मंदी हो। दो दिन पहले भी हमने देखा कि प्राइजेस ने 570-580 से गिरावट ली, जो 506 का लो दिखाकर वापस रिकवर कर दिया। दो इंपॉर्टेंट चीज का आप ध्यान रखिए, पहला है वेदर कंडीशन, रीजन से वहां पे हीटिंग की डिमांड बढ़ रही है, मतलब हीट वार्म वेदर में डिमांड बढ़ जाती है, वो एक है। सेकेंडली, अगेन यूरोप और रशिया के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब रशिया बोलता है कि पेमेंट हम रूबल में करेंगे तो ही हम सप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं, तो इसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी 100 रुपए की बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो अनलेस एंड अंटिल 490 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, प्राइसेस 600-620 तक का लेवल फिर से दिखा सके। आज की गिरावट में ये भी है कि हमने देखा है कि जो यूरोपियन कंपनीज है, दे आर ट्राइंग टू मैच अप, कि आप चाहे रूबल में पेमेंट ले लीजिए, चाहे हम यूएस से प्रोडक्शन, यूएस के आप एलएनजी का एक्सपोर्ट देखेंगे, वहां पे बढ़ोतरी हुई है, तो ये पॉजिटिव टॉक है जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ा कूल ऑफ जरूर आया है। बट बिलीव मी, 4-5% की तेजी नॉर्मल रहेगा, अगला हफ्ता 15 दिन में ऐसी मूवमेंट रहेगी। अंडर 490 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड वीक नहीं रहेगा जी। अजय जी, बेस मेटल्स में भी हम यहाँ पर लगातार नरमी वाला रुख ही देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर एक बार चाइना मार्केट में आता है तो जो बेस मेटल्स की डिमांड है वो उसमें एकदम से हाइक देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, बेस मेटल में एक्चुअली दो साल में हमने जो तेजी देखी है ना, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड जी, क्योंकि अभी भी बहुत पेंडेमिक के बाद डिमांड धीरे धीरे रिकवर कर रही है, लेकिन ये तेजी जो आई है वो सप्लाई कंसर्न की वजह से आई है। चाहे हम अभी निकल में बड़ा एक लाइनअप देखा, या पिछले साल एल्यूमिनियम में जब तेजी आई थी तो हमने देखा कि एनर्जी क्राइसिस था, तो मुझे लगता है चाइना मैक्सिमम 7-10 दिन के अंदर रोल बैक करेगी वापस। तो जून मंथ से मुझे लगता है चाइना की वैसे बाइंग स्टार्ट होती है, तो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट है। इनफैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है एसएमईज को, फिर युआन को डिवैल्यू करके ताकि एक्सपोर्ट बढ़ावा रहे, लेकिन अभी फैक्ट्री एक्टिविटी के जो डेटा आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े खराब है, जीडीपी के एक्सपोर्ट भी थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से बेस मेटल टर्न डाउन है। बट आई कैन से 80-85% जो गिरावट आ गई थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट कर रहा है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर लेड एक अच्छा कमोडिटी है, पिछले 6 महीने में हमने देखा 180 के नीचे नहीं गया, 190 के ऊपर नहीं गया जी। तो ये मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये ऑलरेडी बड़ा करेक्शन ले चुके हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता रहेगा, बट
हफ्ता भर लगेगा इसको रिकवर करने में, बट जून बियॉन्ड मुझे लगता है कि पूरे देश में ट्रेड में अच्छी तेजी आएगी। जी अजय जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? देखिए नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर आज की डेट में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखती है। बाकी गोल्ड मुझे लगता है कि टेम्पररी रेंज जो रहेगा 50,500 से लेकर 51,200 है, बाइंग करना तो 51,200 के ऊपर ही करना है, अदरवाइज बिकवाली कीजिए 50,900 पे, जो 50,500-550 तक का लेवल दिखा देगी। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजय जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से। अजय जी, M6 कॉटन में देख रहे हैं हम कि कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है, 48,000 के बेहद करीब है, 200-300 पॉइंट की दूरी पर है। आपने साल 2021-2022 की शुरुआत में ही आपने जो आउटलुक दिया था कॉटन का, आपने सबसे पहले यही बताया था कि 2022 में कॉटन सफेद सोना के नाम से जाना जाएगी, वही हम होता हुआ देख रहे हैं, 50,000 के लगभग गोल्ड ही है और 50,000 के करीब कॉटन ही है। तो अब यहां से कॉटन का जो ट्रेंड है वो कैसे रहने वाला है आगे, 50,000 के बाद अब आगे क्या होगा कॉटन में? देखिए मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में सबका जो रुझान है वो ऑयल सीड की तरफ ज्यादा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है ग्लोबल मार्केट में टूटेगा, बट टूटने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ग्रोथ ही देखेंगे। आप ये समझे जनवरी में जब भाव तेज था तो सबकी उम्मीद थी कि जो एरिया है वो 30-40% से बढ़ जाएगी, बट अब जिस दिन से कॉम्पिटेटिव प्राइजेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर दूसरे क्रॉप को लेकर, तो मुझे लगता है 30-40% की इजाफा नहीं होगा एरिया में, होगा जरूर 8-10% ज्यादा। ये पैसे में इसकी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट यूएस में भी हमने टेक्सास के अंदर वेदर कंडीशन काफी हार्ड देखा है, जिसकी वजह से 140 सेंट के ऊपर आराम से प्राइजेस ट्रेड कर रहा है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है जो फंडामेंटल्स है ये 200 सेंट तक का लेवल अक्टूबर से पहले पहले दिखा देगा, बट हाँ अगले 15-20 दिन महीने भर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्शन या थोड़ी स्लोइंग प्रोग्रेस को देखते हुए प्राइजेस को एक कूल ऑफ मिल सकता है, बट शॉर्ट करने का सजेशन नहीं है, कहीं पर भी ड्रॉप नहीं है लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट अगर कॉटन की बात करें तो 50,000 है, बट अगर कोई 3-4 महीने की अवधि की बात करें तो नीचे में 40 से लेकर 36,000 का रेंज एक बार नीचे मिल जाए, बट ऊपर में 26 को जरूर दिखा देगा और इंटरनेशनल में 200 सही। जी अजय जी, मेंथा में भी हमने कुछ यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है, 1100 के ऊपर फिर से मेंथा निकला है, तो मेंथा में क्या अब डिमांड बननी शुरू हो गई है? देखिए मेंथा में 1140-1150 का जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, इसमें मैं आपके चैनल के बारे में एक अपडेट ये देना चाहता हूँ। आपको ध्यान रखना है सिंथेटिक मेंथा के प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि हमने जनवरी फरवरी में भी देखा था बिकॉज ऑफ सीवियर लॉकडाउन एंड ऑल और यूरोप में जो कंसर्न बन रहे हैं, तो सबसे बड़ी कंपनी मेंथा की है वो है बाटा, तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हमने बंद होते हुए देखिए, उसका इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। सेकेंडली चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ मेंथा फ्रॉम इंडिया, तो मुझे लगता है चाइना 10-15 दिन के अंदर जैसे जो ओपन अप होगा एक एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी निकलने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर कोई 3-4 महीने की अवधि के लिए मेंथा देखे तो पॉसिबल हम 1300-1350 का भी लेवल देख पाए, और एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस 1100 से लेकर 1140 का एक रेंज है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए 6 महीने के अंदर में सबसे टॉप रिटर्न देने वाली कमोडिटी मेंथा रहेगी। जी अजय जी, मसालों की बात करें तो स्पाइस कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं आज काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया है, जो प्राइसेस है निचले स्तर से रिकवर होते नजर आए हैं। धनिये में देख रहे हैं 4%, जीरे में 2%, हल्दी में भी 2-2% की तेजी है, तो अब क्या माना जाए अजय जी यहाँ से, क्या अब ये जो तेजी वाला सेशन है यहाँ से अब शुरू हो चुका है या फिर यहाँ से अभी भी कुछ संभलकर चलने की जरूरत है? देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो मुझे हल्दी, जीरा, धनिया तीनों के बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं जी, बट ऑलरेडी हमने जैसे मार्च में हमने जो तेजी थी उसमें हमने प्रॉफिट बुक की सलाह दी थी, उसके बाद मार्केट नो डाउट ऊपर गए थे बट वो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं होते थे, इसके लिए हम लोग मार्केट में न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे थे। स्टिल मुझे लगता है कि मार्केट में करेक्शन व्यू है, हल्दी में तो इतना ज्यादा करेक्शन नहीं लग रहा बिकॉज 700-800 का लेवल ऑलरेडी स्पाइक कर चुका है, बट आई थिंक 700-800-900 का लेवल मिल जाए तो बोनस है, लेके चलिए हल्दी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जीरे में मुझे लगता है 20,000-20,200 तक का लेवल फिर से रिटेस्ट कर सकता है, और धनिया में भी 10,500 तक का लेवल रिटेस्ट कर सकता है, तो ये दो कमोडिटी में तेजी जरूर है, आगे जाके हमें 26,000 तक का लेवल जीरे में, 18,000 तक का लेवल धनिया दिखा देगा अगस्त तक, बट टाइमिंग मुझे इतने कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा क्योंकि हमने बार बार में
हाई लेवल में दबाव देखा है, तो हफ्ता दस दिन और थोड़ा सा प्रेशर है, उसके बाद हमें लेके चलना चाहिए, बाकी हल्दी थोड़ी ठीक लगती है जी। अजय जी, ग्वार में अभी कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है? देखने की ग्वार के भी प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ से कुछ रिकवर हुए हैं, तो क्या अब यहाँ से ग्वार में भी पहले वाली बढ़त बनने वाली है, या फिर अभी जो प्राइसेस हैं ऊपरी स्तर से यहाँ पे सीमित दायरे में रह जाएंगे? ग्वार के कोई भी फंडामेंटल खराब नहीं है, ग्वार काफी स्ट्रांग है, लेकिन हमने एक वही से अभी तक देखा है कि ग्वार के प्राइसेस में कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है। वो इसलिए भी बन रहा है कि आप ये देखिए, एक तारीख से पहली बार ऐसा हुआ है दो चार पांच सालों में कि जहां पे हमने कमोडिटी में गिरावट देखी है, करेंसी में गिरावट देखी है, एग्री कमोडिटी में गिरावट देखी, इक्विटी में गिरावट देखी, बिटकॉइन में गिरावट देखी है जी। तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो मार्जिन कॉल बोलते हैं हम लोग, ये ग्वार या पूरे एग्री पे पड़ा हुआ है, जिसके चलते ग्वार हमने 6000 का लेवल छूते हुए देखा। इसके विपरीत यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तेल में, रुपी नीचे स्तर पे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव होगा, कैरियर स्टॉक मिनिमल है और इस बार स्विंग में भी ड्रॉप आएगा। एक हार्मोनिक टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है जो बताता है कि 6090 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड रहता है तो 6400 तक का लेवल दिखा सकता है अगले 15-20 दिनों के अंदर। तो मुझे लगता है अट्रैक्टिव लेवल पर गवाचिक गवागप दोनों लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 6400 है गवाचिक के लिए और गवागप के लिए 12400 से 12500 का लेवल है जी। अजय जी, एडिबल ऑयल में क्या लगता है आपको? खबरें तो निकल के सामने आ रही है कि जब से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का बैन लगाया है, तो भारत सरकार ने मलेशिया के साथ समझौता करने की कोशिश की है, जिससे कि भारत में जो तेल की जो सप्लाई है ठीक ठाक रहे, लेकिन मलेशिया ने भी वहां का जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी कमी कर दी है, तो ऐसे में अब एडिबल ऑयल बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एडिबल ऑयल में जो तेजी या जो स्टेबिलिटी है ना, वो मात्र 15-20 दिनों की है जी। इसके बाद मुझे लगता है जून 15-20 तारीख के बाद एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक जबरदस्त फॉल आते हुए देख पाएंगे जी। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, कभी भी एक बड़ी गिरावट हम पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देख पाएंगे, चाहे बस्टर की बात करें चाहे सोया की। तो सोया की सोइंग भी होनी है, ऊंचे भाव को देखते इस बार सोइंग अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है जी। तो इनऑल मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से या एडिबल ऑयल सीड से थोड़ी दूरियां बना के चलनी चाहिए। आगे जाके रिटर्न इनमें नहीं बनेगा, कॉटन में बन सकता है, गवार में बन सकता है, मसालों में बन सकता है जी। बट कॉटन एडिबल ऑयल चीज से दूर रहना चाहिए जी। तो क्या अजय जी, जैसे सोयाबीन होगी, सरसों हो गई, मूंगफली होगी, तो क्या सभी तिलहनों में मंडियों में यहाँ पे गिरावट आते हुए नजर आएगी? देखिए, मैं जैसे स्टार्ट किया था एग्री में, तब मैंने यही कहा था कि ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से पिछले 2 साल से एडिबल ऑयल के भाव में तेजी बनी हुई है, सभी सरकार, चाहे इंडिया हो चाहे सभी सरकार, एडिबल ऑयल के प्रेशर को कम करना चाहती है, जिसके चलते गवर्नमेंट के रेडार से बने हुए, हमने इंडिया और नेशिया का भी एक्शन आती भी देखा, इसके सभी को देखा। तो मुझे लगता है कि कोशिश पूरी यही की जाएगी कि अगले 1 साल के अंदर एडिबल ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो कम करे, और साथ में देखिए तेल में भी जो तेजी बनी हुई है ना, ये भी पाम ऑयल को सपोर्ट कर रही थी। बट अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जून के बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो क्रूड में भी वापस एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी जो 80-85 डॉलर दिखा दे। तो अगर क्रूड में गिरावट आती है तो पाम ऑयल में गिरावट, और पाम ऑयल में गिरावट आती है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे एडिबल ऑयल ऑयल में पड़ता हुआ दिखाई देगा जी। अजय जी, मक्के का बाजार कैसा दिख रहा है आपको? विदेशों में तो देख रहे हैं मक्के की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या इंडिया में भी अब तेजी आ सकती है या फिर जो कीमतें हैं वो एज इट इज बनी रहेंगी? देखिए, मक्के भी काफी अट्रैक्टिव कमोडिटी में ही आता है, जिस ढंग से हमने 1.5-2 साल में जो गिरावट देखी उसके बाद अच्छी रिकवरी भी है, पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड काफी अच्छी निकलते आ रही है। लेकिन अभी पॉलिट्री में एक इशू ये भी है कि अदर जो इंग्रेडिएंट है वो काफी महंगे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हम लोग डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में देखें तो मक्के में मुझे लगता है आगे जाकर और भी 12-15% तक की भी तेजी बन जाएगी। तो मक्का काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, करंट लेवल से भी एक अच्छा मोमेंटम बनने के लिए तैयार है, लेके काम करना चाहिए जी। अजय जी, एग्री कमोडिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है कॉशियसली कॉटन सीड ऑयल के फिर से लेके चलना चाहिए, यहाँ पे हम अच्छी तेजी देते हैं। टेम्पररी कैस्टर में एक तेजी बन सकती है जो 7600, और मेंटा पे नजर रखती है क्योंकि मेंटा में मुझे लगता है कि मई एक्सपायरी के बाद एक बड़ा इजाफा होगा जो 1300 तक का लेवल देगा। थोड़ा व्यू में, लंबी व्यू में बता रहा हूँ,
जो महीना डेढ़ महीने का व्यू है, तो इसमें कॉटन सीड ऑयल केक, देन कैस्टर और मैटा, ये तीन कमोडिटी में नजर रखिए, इसमें अच्छा पैसा बन जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी से तुम्हें कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और किन कम्युनिटीज में कितने कमाई के मौके हैं उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।